अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान नगर थाना इलाके के दरबार सिनेमा रोड से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बताते चले कि अपराधियों ने मोबाइल छीनने के क्रम में हवाई फायर की है, हालांकि किसी को गोली नहीं लगी है। बताते चले कि पल्सर बाइक से सवार थे दो अपराधी और एक युवक से मोबाइल छीन करके भाग रहे थे। फिर क्या हुआ, वो युवक उनके पीछे दौड़ पड़ा और किसी तरीके से अपराधियों को पकड़ना चाहा, लेकिन अपराधी फायरिंग कर दिए। मोबाइल तो छीना हुआ मिल गया, लेकिन अपराधी किसी तरीके से पल्सर बाइक को वहाँ पर छोड़ करके और भाग निकले, नहीं तो आज उनके साथ क्या होता, पब्लिक आज सब कुछ कर देती, अपराधियों को जवाब भी दे देती। आपको बताते चलें कि जो युवक है उसका मुकेश कुमार नाम है, जो कि स्वर्गीय बनारसी प्रसाद का पुत्र है, सिवान शहर के बनिया टोली का रहने वाला बताया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जैसे ही घटना घटी उसके बाद से नगर थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंच गई, उसके बाद से पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से फायरिंग हुई दरबार रोड में, कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल भी कायम हो गया। सबसे पहले ये खबर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं और जो अपराधियों की पल्सर बाइक थी उसे जब्त कर लिया गया है और पुलिस थाने लेकर के चली गई है। बाइक पे पीछे की तरफ नंबर भी नहीं था कि पहचान की जा सके कि आखिरकार किसकी बाइक है, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि अपराधी दिन दहाड़े इस तरीके की घटना को अंजाम दिए और जैसे ही जो युवक है अब वो बहादुरी दिखाया, मुकेश कुमार जिसका नाम है, मोबाइल जिस तरीके से उसका छीना गया और पीछा कर दिया, उसके बाद से वो अपराधी देखे कि अब पकड़े जाएंगे तो वो फायरिंग कर दिए और फायरिंग करके अपनी बाइक को छोड़ करके भागने में ही भलाई समझें। उसके बाद से स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया, लोग दौड़ने लगे चारों तरफ। जब फायरिंग हुई तो लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार ये फायरिंग क्यों हो गई और किसने कर दी। वहाँ पर थोड़ी देर के बाद पता चला कि अपराधी जो थे वो मोबाइल छीनने के क्रम में फायरिंग किए और किसी तरीके से अपनी जान को बचा करके भाग गए। मुकेश कुमार जो लड़का है, युवक है, जिसके साथ घटना घटी है, उसने बताया कि मैं शुद्धि ब्याज का दिनेश जी के यहाँ काम करता हूँ और उसका पैसा कलेक्शन के लिए भी जा रहा था और उधर से पैसा लेकर के आ रहे थे तो इस दौरान घटना घटी है। आइए दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट की क्या कुछ मुकेश कुमार ने कहा जिसके साथ घटना घटी। हम फोन पे ये बात करते जा रहे थे, पीछे से आके और मेरा फोन छीन लिया है। उसके बाद से मैंने उसको नाल पकड़ा भी है, तो पकड़ा तो वो नाल गिर गया है। उसके बाद से नाल फायरिंग कर दिया, चला गया है। आपके ऊपर फायरिंग कर दिया है? ना, फायरिंग किया है, हवाई फायरिंग किया है। हाँ। अच्छा, मोबाइल आपसे छीन लिया था? हाँ हाँ। तो फिर क्या हुआ, मोबाइल लेकर चला गया कि कैसे, क्या हुआ? ना ना, हम मतलब कि ना उसको जैसे ना पकड़े रह गए आप लोग, जैसे ना घसेट दिया हमको सफर में, उसको ना पकड़े रह गए गाड़ी जैसे ना ऐसी कर दिए। उसके बाद से ना मिल गया है, उसके बाद से ना गिर गया है और मेरा फोन ना फेंक दिया है और ना उतर के हवाई फायरिंग करके चला गया। कितने लोग थे? बोलो, दो लोग थे। किस चीज से थे? बाइक से। और आप? हम पैदल जा रहे थे। पैदल जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे अपने घर, बनिया टोली मेरा घर है। मेरा घर में बनिया टोली है, पुरानी तरह बनिया टोली है। बनिया टोली घर है, क्या करते हैं? काम करते हैं। किस चीज़ का? जा रहे थे पैसा वसूल के ना। कलेक्शन करते हैं? किस चीज़ का कलेक्शन? दूध का कलेक्शन करते हैं। तो पेमेंट भी कलेक्शन किए थे क्या? ना, पेमेंट का नहीं, फोन ही मतलब कि ना उसका ना छीनना था, पैसे की कोई बात नहीं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार। पिताजी का नाम? पिताजी स्वर्गीय श्री बनारसी प्रसाद है। स्वर्गीय श्री बनारसी प्रसाद। किनके यहाँ काम करते हैं आप? मतलब काम करते हैं, काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? हम स्टाफ हैं। किनके यहाँ काम करते हैं? बिलाकटा में दिनेश जी नाम है। दिनेश जी, बाबू जी यहाँ पे आप पहुँचे हैं तो अभी एक बच्चा है कहीं देहात का जी, बोला दो आदमी पैदल जा रहे थे और पीछे से दो आदमी पल्सर से थे, जो कि पल्सर पकड़ी गई है अभी। वो लड़के को पकड़ा है और मोबाइल को छीन लिया है, और जैसे मोबाइल को छीना है, जिसका मोबाइल छीनाया था उसको दौड़ा दिया है, और वो भागने क्रम में बचने क्रम में वो गोली चला दिया है, उन लोगों फायरिंग किया है, लेकिन वो लोग बच गए हैं और जो अपराधी थे वो मोटरसाइकिल छोड़ करके अपना पल्सर भाग गए हैं। एक बड़ी मरीज की तरफ भागे हैं, एक हॉस्पिटल रोड की तरफ भागे हैं। दो थे, दो आदमी थे। गोली किसी को लगी नहीं? गोली किसी को नहीं लगी, वो तो बच गया है भाई।
लेकिन जिसका पकड़ा गया था वो घसदूर आया, उसका मोबाइल छीना सब, वो चिल्लाने के क्रम में उसको कुछ उसका पीछे वाला पकड़ लिया और घसेटता हुआ आया। जब तक हम पीछे आगे से जा रहे, रॉन्ग साइड से साइकिल से जा रहे थे, तो उसको चकमका दिए, चकमका दिया हमने देखा, हाँ चकमका दिए, तो वो ये डाइवर्सन जो है इसमें वो टकराया और गाड़ी छोड़ के उधर से भाग गया। जब तक एक लड़का यहाँ का उस लड़के को पकड़ा फिर मोटरसाइकिल उठाने के क्रम में, और उसके बाद से वो फायरिंग करके भाग गया, फायरिंग करके भाग गया जी। कितने की संख्या में? दो संख्या में थे, और ये बड़ी मस्जिद के पहला गेट पर ये छीने है ट्रांसफार्मर के पास। दरबार 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 हॉल के मार्केट के मेन गेट के पास से पहला गेट से छीने हैं, और लड़का घर से हटता हुआ आया है ये यहाँ तक दरबार के चौक तक, और 20 बैलेंस नहीं उन्हें मिला है, मोबाइल नहीं मिला है, भाग गया है गाड़ी छोड़ के। एक लड़का तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाएं समाधान, अभी कॉल करें 8448277903। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहाँ एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वीमार्ट महादेवा रोड सिवान। जी मैं सुशील कुमार उर्फ डब्लू, सिवान जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 प्रखंड भगवानपुर से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ, और मेरा चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया छाप है, जो कि EVM के क्रम संख्या 20 पे निर्धारित है। और आप सभी युवा, बुजुर्ग, माता बहन, हमारे क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरा आग्रह है कि 5 सालों तक में जितना हमने काम किया है, जितना हम आपके बीच में रह करके व्यवहार बनाने का काम किया है, एक जनसेवक के रूप में आप मुझे एक बार पुनः अपना आशीर्वाद देंगे और मुझे विजयी बनाने का।